एंड नमस्कार। आज का टॉपिक है पैनोरामा अपडेट। ठीक है, तो देखिए पैनोरामा अपडेट सच पालो ऑल्टो हम लोग जैसे ही अपडेट करते हैं सेम ही प्रोसेस है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ प्रिकॉशंस हम लोगों ने। पहले आपका जो काम करना है पैनोरामा जब हम अपडेट करेंगे, मैं दिखाऊंगा लाइव, मैंने किया है वही मैं दिखाऊंगा। एक होगा एक्टिव, अगर एक्टिव पैसिव में है या स्टैंडर्ड में, अगर एक्टिव में एक्टिव पैसिव में है, में हम लोगों का एक्टिव है, ये होगा पैसिव। ठीक है, यहाँ पे एक पैनोरामा है। फर्स्ट आप क्या करोगे इसमें, टेक बैकअप, पहला काम ये आपका रहेगा, फर्स्ट टेक बैकअप। इसमें भी ले लेना, इसमें भी ले लेना। क्या करोगे, पहले हम किसको अपडेट करेंगे, कहीं पे भी एक्टिव पैसिव सिनेरियो होगा, डू द पैसिव अपडेट। पैसिव को पहले अपडेट करना होता है, दिस इज द प्रोसेस। इसको पहले अपडेट करोगे, सोचो कि आपके पास 10.0.1 है, आपको जाना है 10.0.2.2 पे जाना है, ऐसा समझ लो। इसको पहले करना है अपडेट। जब ये अपडेट हो जाएगा, डू द फेल ओवर, ट्राफिक विल शिफ्टेड टू दिस फायरवॉल, इसके पास ट्राफिक शिफ्ट हो जाएगा। चेक करना कि एवरीथिंग इज फाइन, लॉग्स वॉग्स सिपुलेशन ऑलमोस्ट चेक करना, कुछ क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो चेक करके 15-20 मिनट के बाद देन ये आप इसको अपडेट करना सेम वर्जन में। ठीक है, उसके बाद फिर ट्रैफिक फेल ओवर बैक करना और इसको एक्टिव कर देना। यही प्रोसेस होता है एक्टिव पैसिव सिनेरियो में इसी को अपडेट करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो सेम सिचुएशन है, इसको अगर आप रिफ्रेश करो, देखो ये सेकेंडरी है एक्टिव पेयर में। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पैनोरामा में जाना है, सेटअप में जाना है, यहाँ से ऑपरेशंस क्या करना है, एक्सपोर्ट पैनोरामा, ये एक्सपोर्ट पोस्ट डिवाइस जो भी है आपको, ठीक है, ये आप जितना चाहो ले सकते हो, नेम ले सकते हो, एक्सपोर्ट पैनोरामा कॉन्फिगेशन वर्जन, एक्सपोर्ट पैनोरामा डिवाइस कॉन्फिग बिल्ड इन, ये हो गया एक्सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, डिवाइस एक्सपोर्ट जो है टार फाइल, ये पालो ऑल्टो में भी इम्पोर्टेंट है, पालो ऑल्टो मतलब फायरवॉल की बात कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट बूट डिवाइस बंडल, अगर आपके पास डिवाइस है तो यहाँ पे सारे डिवाइस का डिटेल आपको दिख जाएगा, अगर इंडिविजुअल किसी को लेना है। पैनोरामा कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट ये आप ले सकते हो, यहाँ पे आप एक नाम देना, पैन, आज का डेट, आज का जो आज का डेट अगर मैं डाल देता हूँ 31st है, 31st 10/23, इसको आप सेव करो। ठीक है, एरर टेक्स्ट, अब इसको ठीक है, ओ सॉरी एक्सपोर्ट, पहले तो सॉरी मैंने एक एक्सपोर्ट कर दिया, गलत हो गया, वो गलत होगा, पहले सेव करना पड़ेगा। हाँ वही, पेन 31/10/23, इसको सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सेव हो रहा है, देखिए जो अपन ये सेव होगा, देखिए सिंक विद पेयर हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट करने के बाद वो नाम मुझे देना पड़ेगा, देखो यहाँ पे आ भी जाएगा, अगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जितना भी है दिख जाए, ये दो आपको उठाने लगा। नेक्स्ट पैसिव में जाया मैं अभी एक्टिव में हूँ। पैसिव में जाने के बाद सॉफ्टवेयर में जाना होगा, यहाँ पे मेरा लाइसेंस नहीं है, यहाँ पे सारे चेक नाउ करना पड़ेगा, जितना भी लाइसेंस है वो देखना पड़ेगा, मतलब जो वर्जन आपको चाहिए सारे दिख जाएंगे, पहले उसको डाउनलोड करना पड़ेगा फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, उसके बाद ये जो भी है ये देखो ये, और अगर डिवाइस डिप्लॉयमेंट, यहाँ से आप पैनो, ये दो याद रखना, ये एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, ये डिवाइस मतलब पैनोरामा पर बैठ के आप किसी फायरवॉल को अपडेट कर रहे हो उसके लिए है, और ये घर के लिए मतलब मेरे लिए खुद के लिए है, पैनोरामा के लिए है। ठीक है, समझ गए। होने के बाद आपके पास वो डिवाइस रिबूट होके आ जाएगा, पिंग चला के रखिएगा, यहाँ पे वो आपको दिख जाएगा वर्जन्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे 10 है तो वो आपको अपडेट होके आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप प्रैक्टिकल मैंने जहाँ पे किया है, मैं थोड़ा आप लोगों को एक हिंट देता हूँ लाइव सिनेरियो का, मैं ये पैनोरामा का देखिए, इसको अगर आप बड़ा करेंगे तो ये मैंने डाउनलोड कर रहा हूँ, पहले देखिए ये सॉफ्टवेयर में यहाँ पे जाके डाउनलोड करो, नॉट ये पर। इसको डाउनलोड करने के बाद ठीक है,
इसको इंस्टॉल करेंगे। और एक चीज यहाँ पे, अगर ये जो पैनोरामा दिख रहा है, यहाँ से सारे डिवाइस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल होने के बाद, अपडेट होने के बाद, यहाँ पे क्लिक करके किसी भी डिवाइस पे अगर आप क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिक वो लॉग इन हो जाएगा। ये भी एक टेस्ट है, मतलब क्या क्या पोस्ट चेक करोगे, प्री चेक एंड पोस्ट चेक होता है। अगर आप वो किसी को एसओपी बना के देना है, एलएलडी बना के देना है, इंप्लीमेंटेशन प्लान बना के देना है, देन यू हैव टू डू दिस प्री चेक। क्या क्या टेस्ट करोगे, पोस्ट चेक मतलब होने के बाद क्या क्या चेक करोगे। ये देखो 88, 98, हाँ 98 के बाद देखो यहाँ पे है। अरे भाई 89, 98, 98 के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये डाउनलोड होने के बाद ये कंप्लीट हो गया, क्लोज, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टॉल, इंस्टॉल में क्लिक करूँगा, ठीक है। तब क्या होगा, इंस्टॉल में क्लिक करने के बाद मुझे ये बताएगा 10 में अपग्रेड करोगे वर्जन, कारेंटली रिव्यू करना जो भी है। बोला ठीक है भाई, करना तो है, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। आप बैकएंड में पिंग चला के रखिए कि ऑटोमेटिक पिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर एवरीथिंग इज गोइंग फाइन देन यू हैव टू जस्ट वेट, इट विल ऑटोमेटिकली कम योर। तो ये आपको इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी 15-20 मिनट भी लगता है, ठीक है। तो वरी मत होना, ठीक है, पिंग आएगा, पिंग जाएगा, ये 90% से 100% हो जाएगा। ये ठीक है, ये देखो रिबूट हुआ था, ये अपडेट आ गया, ठीक है। ये रिबूट होने के बाद, पिंग आने के बाद भी ये आपको एक्सेस नहीं करने देगा। ये रिबूट प्रोग्राम पूरा कंप्लीट होगा, होने के बाद इसका जीयूआई आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बी पेशेंस, वेट करिएगा। उसके बाद ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये दिख रहा है, अनेबल टू कनेक्ट दिखेगा आपको, कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप, तो घबराइए मत, ठीक है। वो ये आपके पास आ जाएगा, क्लिक करने के बाद ये ऐसा प्रॉम्प्ट आ जाएगा, फिर आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्लोज करने के बाद आप क्लिक करोगे तो आपके पास डिवाइस आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पैनोरामा अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना, जितना भी आपके पास डिवाइस है उसे ये किसी में भी क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो डिवाइस वहाँ पे जाके लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। इस ये होने के बाद आपको ना यहाँ पे जस्ट आप डैशबोर्ड में क्लिक करोगे और यहाँ पे यही चीज दिखेगा, वर्जन मिसमैच, ठीक है। ये वर्जन मिसमैच दिखेगा, ये ऐसा पैनोरामा वर्जन, पैनोरामा वर्जन मैच दिख रहा है ना, मिसमैच दिखेगा। तब आपको क्या करना है, कहाँ से फेल ओवर करोगे, यहाँ पे पैनोरामा पे जाने के बाद हाई अवेलेबिलिटी जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो किधर है, ये सस्पेंड लोकल पैनोरामा, इसको अगर आप जब भी सस्पेंड कर दोगे, जो जिसको पहले अपने अपडेट किया उसको नहीं, एक्टिव को, यह जो एक्टिव है उसको सस्पेंड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक विल बी शिफ्टेड टू द पैसिव डिवाइस, मतलब इस डिवाइस में, इस पैसिव में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, पैसिव में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें लॉग इन करके चेक करना कि ट्रैफिक आ रहा है, मॉनिटर में चेक करना, लॉग इन चेक करना, सब करने के बाद, सब हो जाने के बाद देख रहे हो कि ठीक है भाई, ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है, मैं एक्टिव में हूँ, मेरे पास सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉग मॉनिटर में सब ठीक ठाक आ रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन अगर कोई क्रिटिकल चल रहा है तो उसको भी चेक कर लेना। देखिए पैनोरामा अगर कुछ इशू होता है तो आपका लाइव ट्रैफिक में कोई इशू नहीं होता, ये एक गांड बात के रख लीजिए,
अगर आपका पैनोरामा डिवाइस बैड भी जाता है, डाउन भी हो जाता है, देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट विथ योर लाइव ट्रैफिक। क्यों? पैनोरामा से आप सिर्फ आपका क्या कर रहे हो, आप इस यहाँ पे जो भी पैनोरामा है कहाँ से कनेक्टेड है, सिर्फ आपके फायरवॉल मैनेजमेंट पोर्ट से कनेक्टेड है। अगर पैनोरामा अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, कोई पैनोरामा बैड भी जाता है, देन यू विल लूज द मैनेजमेंट एक्सेस फ्रॉम पैनोरामा, ठीक है? लेकिन आप अपने हर एक फायरवॉल को इंडिविजुअली ब्राउजर से लॉग इन कर सकते हो। जैसे कुछ तो मेरे पास फायरवॉल 130 का आईपी मेरे जो पैनोरामा, तो मैं क्या करूंगा, उस फायरवॉल में लॉग इन कर सकता हूँ, पॉलिसी चेंज कर सकता हूँ, ऐसा करके डायरेक्ट फायरवॉल में लॉग इन कर सकता हूँ, लेकिन वाया पैनोरामा नहीं कर सकता, वाया पैनोरामा से पॉलिसी पुश नहीं कर सकता। ये सब इश्यू है, तो घबराइएगा मत, कहीं पे भी सिचुएशन ऐसा आता है, डोंट गेट पैनिक, पैनिक मत होइएगा, क्या रे मेरा ये चला गया, मैं क्या करूंगा। पैनोरामा हो डाउन भी होता है तो आपका लैब ट्रैफिक कोई इशू नहीं होगा, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट। मैं चेक पॉइंट का एक बहुत मतलब डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जो भी है तो उसमें भी फॉलो कर लीजिएगा मुझे, एंड थैंक यू आप लोग सबके सपोर्ट के लिए। मैंने 1000 तो पार कर लिए यूजर्स, बाकी देखते हैं क्या होता है, आप लोगों की आशीर्वाद से। मिलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।